हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, सभी देवभूमि उत्तराखंड के भाई और बहनों को और सभी दर्शकों को। तो हो चुकी है एक बार फिर से दिन की शुरुआत और मैंने भी कर दी है अपने ब्लॉग की शुरुआत। और अगर आज के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे गांव में भी लग चुकी है खिलखिलाती धूप। इसका मतलब ये है कि आज शानदार मौसम है। तो आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पर हल्दी की सफाई से। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति में हल्दी को कितना शुभ माना जाता है। तो एक हेल्दी डे के लिए मैं आज हल्दी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ पर चल रही है हल्दी की सफाई। हल्दी की सफाई करने के बाद यहाँ पर हम हल्दी को सुखाने के लिए रख देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ यहाँ पर लड़के बैठे हुए हैं, तो ये जाएंगे खेत में। वहाँ पर हमने हल्दी की क्विंटलों में उत्पादन किया है, तो वहाँ से अभी हल्दी निकालने वाले हम। तो जब वहाँ पर हम हल्दी निकालेंगे तो उसको बेचने के लिए हम रख देंगे। तो अगर आप लोगों को भी कच्ची हल्दी या पीसी हुई हल्दी चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपना व्हाट्सअप नंबर देकर। तो फिलहाल तो यहाँ पर लड़के जाने वाले हैं हल्दी के लिए, हल्दी निकालने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक लड़की तो बर्तन धो रही है, इसका नाम है दिव्या। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट मोमेंट में। फिलहाल तो लड़के चले गए हैं खेत में, ये निकालेंगे वहाँ पर हल्दी। ना ना आप लोग उन चलो हाँ वो समय लाने ना दोस्तों, दिन की बज रही है पूरी दो और अब जाकर मुझे समय मिला है ब्लॉग बनाने का। तो इससे पहले मैं घर के कहीं और काम काज में व्यस्त था तो मुझे समय नहीं मिला है। तो फिलहाल यहाँ पर चाचा लोग चाची लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए चाय दे दी है, तो वो चाय पी रहे हैं यहाँ पर। वो कहीं घास लेकर आ रहे हैं जंगल से। तो मेरे पास अभी एक और काम है, मुझे जाना है उस टैंक पर पानी भरने के लिए। तो कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले मैंने सिंटेक्स साफ करी थी, तो उस पर थोड़ा लीकेज हो रहा था, तो जिसकी वजह से हमने उस पर एम सील लगाया था। तो एम सील सूखने के बाद अब 8-10 दिन बाद मैं उस पर पानी भरूंगा। तो मैं जाता हूं वहां पे और मैं पहले पानी भर देता हूं, फिर मुझे ब्लॉग शूट भी करना है और एक और वीडियो भी बनानी है। यह हमारी पानी की सिंटेक्स और इसको धो धाकर मैंने साफ कर दिया था 8-10 दिन पहले और इस पर एम सील लगा दी ताकि एम सील सूख जाए, उसके बाद ये पानी इस पर लीकेज ना हो सके। दोस्तों ये देख रहे होंगे आप पाइप, आजकल सर्दियों का समय है तो सर्दियों के समय में ये पाइप मुड़ जा रहा है, देख सकते हैं आप, इस पर गांठें हो जा रही हैं। तो रात के समय मैंने इससे पानी भरने की कोशिश की थी सिंटेक्स पे, लेकिन मैं पानी नहीं भर पाया क्योंकि ये बैक फोर्स मार रहा था, क्योंकि आगे तो गांठें बंधी हुई है इस पर, देख सकते हैं आप। लेकिन इस समय दोपहर का समय है तो इसमें धूप ही लगी हुई है, तो इन गांठों को सुलझाना आसान है। तो इसमें मैं पानी भर सकता हूँ आसानी से इस पर। तो मैं कोशिश करता हूँ पानी भरने की सिंटेक्स पे डालने की। तो अगर सिंटेक्स भर जाता है तो उसके बाद मैं और भी काम करूँगा। 2 हफ्ते पहले मैंने इस सिंटेक्स को धोया, साफ किया, इस पर एम सील लगाया क्योंकि इस पर पानी लीक कर रहा था। फिर 2 हफ्ते बाद मैंने इस पर पानी डाला, तो पानी जैसे ही भरा इस पर मैंने, तो उसके बाद ये फिर से लीक कर रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कल हम लोग खेतों में पानी लाने के लिए गदरे गए थे, लेकिन गदरे बहुत कम पानी था, लेकिन जैसे तैसे करके हमने वहाँ मिट्टी डाली और नहर भी साफ़ करी, और जैसे तैसे करके जितना भी पानी था हमने कलेक्ट किया और नहर साफ़ करके बड़ी मुश्किल के साथ हम खेतों तक पानी पहुँचा पाए थे। लेकिन पानी इतना नहीं था कि पूरे खेत को संतृप्त कर सके, सिंचित कर सके। लेकिन आज लोगों ने अपने खेतों से पानी नीचे छोड़ दिया गदरे में, तो अब जाकर हमारे जो नहर है वो पानी से भरकर आ रही है और खेत तक भी पहुंच चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितना हमारे खेत को ये सिंचित कर पाया पानी। तो दोस्तों अभी 3 भी नहीं बजी हैं और उस तरफ से धूप निकल रही है, यानी कि छांव आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो नहर से पानी हमारे खेत में पहुँच चुका है, और ये हमारा बड़ा वाला खेत है, वहाँ पर नहर ख़त्म होती है तो वहीं से पानी स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं ये पानी आ चुका है, पूरे खेत में किनारे तक पानी पहुंच चुका है। लेकिन उस तरफ देखेंगे आप नीचे की तरफ, तो वहाँ अभी पानी नहीं पहुंचा है, तो इसमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा खेत को पानी से भरने में। लेकिन इस खेत को जैसे ही हम सिंचित कर देंगे, इसके बाद हम दूसरे खेत में जाएंगे और इस खेत में भी हमें अभी पानी से सिंचित करना है इस खेत को। तो अभी ये भी बहुत सूखा और का है, और यहाँ पर अभी हम हल लगाएंगे, इसे कहते हैं फड़िंग लगाना, यानी कि जो रुपाई के बाद हल लगाते हैं तो उसे कहते हैं फड़िंग लगाना। तो यहाँ पर अभी बहुत कठोर है मिट्टी, तो यहाँ पर बैलों की भी ऐसी तैसी हो जाएगी और हल लगाने वाले की भी, इसलिए इसको पहले एक बार सिंचित करना पड़ता है पानी से, इसकी मिट्टी को सॉफ्ट करना पड़ता है ताकि हल आसानी से आ सके। अभी ये वाला खेत भी है, इसके नीचे वाला, वो देख रहे होंगे आप, 2 भागों में विभाजित खेत। तो उसे तो कुदाल से जैसे तैसे हमने मिट्टी वहाँ के सही कर दिया है, और वहाँ थोड़ा बो भी रखा है, पता नहीं क्या बोया माने। तो अभी हमारे पास इतने खेत हैं, यहाँ अभी पहले पानी सिंचित करेंगे पानी से, और उसके बाद यहाँ पे हल लगाएंगे। यहाँ हमने ऊपर हल्दी लगा रखी है,
तो यहाँ पर हल्दी का उत्पादन भी किया जाता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। तो अभी हल्दी की खुदाई कर दी है, हल्दी निकाल दी है, सुखाने के लिए रख दी है। तो अब सुखाने के बाद उसको फिर उसकी कुटाई करेंगे चक्की पर लेकर, और चक्की पर जैसे उसकी कुटाई हो जाएगी, पिसाई हो जाएगी, उसके बाद बेचने के लिए दे देंगे। तो तीन भी बच चुकी हैं और यहाँ से धूप भी ढलने वाली है, दिन भी ढलने वाला है, और मैं तो अभी खेतों में हूँ। तो इतना ही पानी है यहाँ पे दोस्तों। इस खेत में लगा रखी थी हमने हल्दी, तो आज पूरी हल्दी यहाँ से उखाड़ ली है, निकाल दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्दी के जो अवशेष बचे हैं, जो पौधे बचे हैं सूखे वाले, वो यहीं पर छोड़ के हैं, लेकिन हल्दी यहाँ से निकाल कर घर ले गए हैं। अब हल्दी पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसको धोना पड़ता है, छिलना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ है मेरे पीछे ये खेत, तो इस पर हमने पूरी हल्दी लगा रखी थी, और ऊपर भी लगा रखी हमने हल्दी, और कुछ नीचे भी लगा रखी थी, वहाँ से भी निकाल दी हमने हल्दी। तो यहाँ पर अब हल्दी की कुटाई होने वाली है, पिसाई होने वाली है, उसके बाद हम फिर बेच देंगे इसको लगभग 200 के करीब, 200 रुपये किलो। साढ़े तीन का समय हो रहा है और खेत और पानी की रेख देख करके तो मैं घर आ गया हूँ। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ घर में, और फिलहाल सिंटेक्स को ठीक करने के लिए मुकेश भाई ने सिंटेक्स बाहर निकाल दिया, उखाड़ के अलग कर दिया है। अब यहाँ पर ये यूनियन लगाने वाला है पाइप पे, तो देखते हैं ठीक कर पाते हैं नहीं कर पाते अभी। तो यहाँ पर अभी मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, मालिक साहब का ऑर्डर है। अभी मैं घुसने वाला हूँ सिंटेक्स के अंदर, वहाँ पर कुछ काम है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर में अभी यहाँ पर चाय चल रही है, तो यहाँ पर चाय जी बिहार के भाई लोग हैं, तो ये चाय पी रहे हैं। मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली को फोन काम है। फिलहाल हमने वाशर कस दिया है सिंटेक्स का, अब हम इस पे पानी डाल के देखते हैं कि फिर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं जा रहा था यहाँ पे नीचे सामान लेने के लिए, ड्राइवर के पास हमने सामान मंगा रखा था, गांव के चाचा जी हैं ड्राइवर, और यहाँ पर चाची जी लगे हुए हैं खेत में निराई गुड़ाई करने में। चाची प्रणाम, और लगे हैं सर निराई गुड़ाई पर, बोले होता था आज साग सब्जी। अच्छा क्यों नहीं पूछा यार? अरे यहाँ चाची ने क्या बोल रखे है, ये मसूर है, मसूर। अच्छा ये है छोटी छोटी मसूर, लहसुन है, राई है, हाँ अब भूत रखी है, लहसुन राई मसूर धनिया भी है। हाँ धनिया भी है, आप जम रहा है धनिया है। तो मिक्स खेती, मिश्रित खेती बोलते हैं इसको, हमारे गांव में ज़्यादातर मिश्रित खेती ही देखने को मिलती है। तो ये चल रहा है गेहूँ का सीजन, रबी की क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स बोलते हैं ना। ये हमारे गाँव की खेती, तो ये यहाँ होती है रुपाई, यहाँ पानी से सिंचाई होती है, और ऐसा नहीं है उखड़ नहीं है, ये सेरा है। तो चाची का खेत ये है लंबा वाला खेत, वो दिख रहा है एक छोटा सा किनारे में एक खेत, और उसके बाद ये पूरा लंबा खेत है, ये बस एक ही खेत करके है। पहले चाची लोग दिल्ली रहते थे। हाँ चाची तुम दिल्ली रहते ना पहले, और एक दो साल बटी ना गौरम। हाँ ठीक, समय हो रहा है 4:15, और मैं जा रखा था नीचे सड़क में, वहाँ हमने सामान मंगा रखा था अपने गांव के ड्राइवर चाचा जी से, तो लेकर आके सामान, मैं तो नीचे नहीं पहुंच पाया उनके गाड़ी के पास क्योंकि वो तब तक निकल गए थे, लेकिन हमारे मोहल्ले से एक और चाचा जी जा रखे थे वहाँ अपने सामान लेने के लिए, तो वो हमारा सामान भी लेकर आ गए थे ऊपर, तो मैं तो सामान लेकर आ गया हूँ। फिलहाल मैं निकलता हूँ घर के लिए। एक ये स्कूली बालिका आ रही है घर, ये भाई मुखड़े छुपाने अपनी। यहाँ पर हमारे गाँव के लोगों के खेत हैं, सेरा है, सारी कहते हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ तो रोपाई भी होती है। तो आजकल तो रबी की फसल चल रही है, गेहूँ की खेती चल रही है। तो यहाँ पर पीछे तो चाची लगे हुए हैं निराई गुड़ाई करने पे, और मैं तो आ गया हूँ ऊपर अपने घर के थोड़े से नीचे पे। तो मैंने गांव में ना एक चीज़ देखी है कि हमारे गाँव के जो लोग हैं वो काफ़ी शर्मिले टाइप के हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो बिल्कुल मतलब कहीं पर भी अपने विचार खुलकर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मैंने बच्चे देखे, स्कूल के बच्चे, इंटर कॉलेज के बच्चे, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिले होते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को भी कैमरे के सामने लेकर आऊँ,
लेकिन ये लोग बोल नहीं पाते हैं और शर्मा जाते हैं, फिर ज़बरदस्ती नहीं करता मैं, ठीक भी नहीं होता है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बुरा भी मान जाते हैं। तो मैं तो वैसे ये चाहता हूँ कि लोग, बच्चे भी, लोग भी सब के सब कैमरे के सामने आए, अपने विचार रखें, दुनिया के सामने आए, सोशल मीडिया पे सही तरीके से एक्टिव होने में कोई हर्ज नहीं होता है। लेकिन लोग डर जाते हैं, कैमरा सामने लेकर जाओ तो कुछ लोग तो बुरा भी मानते हैं और कुछ लोग शर्मा के भाग जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आज के ज़माने में आदमी को, इंसान को फ्रैंक होना चाहिए, हर व्यक्ति को फ्रैंक होना चाहिए, अपने विचार सही तरीके से रखने में कोई दिक्कत नहीं है और खुलकर सामने आने से डरना नहीं चाहिए। अदरवाइज़ यार, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा समाज है, आप लोग कैसे लीडरशिप करोगे? आपको तो आगे बढ़कर आना चाहिए और लोगों तक अपनी बातें पहुँचानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। पर लेकिन यहाँ के बच्चे, मैंने ज़्यादातर देखे इंटर कॉलेज के बच्चे, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा शर्मिले टाइप के हैं और कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं, कभी कभार तो गलत तरीके से व्यवहार भी करते हैं। तो मैं उन लोगों के पास कभी नहीं जाता हूँ फिर अपने कैमरे को लेकर। लेकिन एक गलत बात है, आदमी को फ्रैंक होना चाहिए, लीडरशिप करनी है आपको अपने देश की, अपने देश के भविष्य को बनाना है तो आपको आगे आना ही चाहिए। अभी मैं आ चुका हूँ सारी के बीच, और जहाँ पर मैंने अभी आपको चाची दिखाई थी, तो चाची के खेत में आ गया हूँ मैं। चाची तो निराई गुड़ाई में लगी हुई हैं, और यहाँ पर ना ये बहुत सारे खेत हैं। पहले जब दादाजी लोगों का समय था तब सब यूनिटी में रहते थे, तो दादाजी के कितने 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं। तो जब ये सब एक साथ रहते थे तब इनके पास बहुत सारे खेत थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे खेत इन्हीं चाची लोगों के थे। लेकिन अब जब हमारे, क्या कहते हैं, हमारे उत्तराखंड में, हमारे गढ़वाल में, हमारे देश में ही ऐसी संस्कृति है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनका उनके परिवार बढ़ जाते हैं, तो उनके बाद एक दूसरे से अलग होना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया बढ़ जाती है तो एक ही परिवार में, संयुक्त परिवार में रहना मुश्किल हो जाता है। तो जब सब अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी 5 भाई हैं, तो चाची लोग तो ये भी अलग अलग हो गए हैं, इनके भी अपने अपने परिवार हो गए हैं, तो अब इनके भी बच्चे अब शादी लायक हो चुके हैं। तो ये खेत देख रहे हैं आप, इतना बड़ा खेत है ना, ये बहुत बड़ा खेत है। यहाँ आगे तक वहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये एक ही खेत है पूरा। तो ये 5 लोगों में बंट गया है, 5 लोगों में नहीं बंटा, ये 4 लोगों में बंटा है। बड़े चाचा हैं उनके पास ये खेत हैं, ये 2 वाले, और जो छोटे 4 भाई हैं उनके पास ये खेत जा रखे हैं। तो ये भी 4 भागों में बंटा हुआ खेत है उधर तक। ऐसे करते हैं निराई गुड़ाई जैसे चाची कर रही हैं, तो कुदाल मार देनी है और उसमें चाहे वो गेहूँ का पौधा उखड़े, चाहे वो सरसों का पौधा उखड़े, चाहे वो खरपतवार उखड़े। इंटर कॉलेज के बच्चों की छुट्टी हो गई है, धूप देखो कहाँ जा रही है। तो 1 घंटा आने जाने में लग जाता है, अभी लगभग 4:30 का समय हो गया है, बच्चे अब पहुँच रहे हैं घर। तो जहाँ ऊपर धार में धूप है वहाँ है स्कूल, तो वहाँ से उतरते उतरते बच्चे इतनी दूर से पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। आते वक्त तो उतना समय नहीं लगता है जितना जाते समय लगता होगा इनको। तो वहाँ है गांव, वहाँ से होके आ रहे बच्चे। तो यहाँ सड़क की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ से सड़क जानी है, नीचे रोड है हमारी, तो वहाँ से सड़क जाएगी, यहाँ से होते हुए जाएगी, पर कब जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे विधायक साहब भरत सिंह चौधरी जी हमेशा हमें दिलासा देते रहते हैं कि जल्दी हो रहा है काम, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और जब हम लास्ट बार गए थे तब से 3 और 4 महीने फिर हो गए हैं, तो उनका कोई वो नहीं है कि कोई रिएक्शन नहीं है। अभी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमने वहाँ लेटर दे रखा है और कार्य चल रहा है आगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। दोस्तों शाम की 5:30 हो चुकी हैं, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, शाम ढलने वाली है, रात भी होने वाली है। लेकिन मैं आ रहा हूँ अमरूद के पेड़ पे, और यहाँ पर अमरूद कुछ पके हुए हैं, कुछ अध कच्चे हैं, अध पके हैं, और कुछ बिल्कुल हरे और छोटे और कच्चे हैं। लेकिन जो ठीक ठाक पके हुए हैं उन अमरूद को मैं निकाल रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लूँगा। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इससे पहले कि मैं आज का ब्लॉग समाप्त कर लूँ, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर लूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन की घंटे को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे ब्लॉग सारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पर ब्लॉग पर लाइक के साथ साथ कमेंट भी जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो, ब्लॉग को हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये देखो अमरूद यहाँ पे, ये ठीक ठाक पका हुआ अमरूद है, न कच्चा है न पका हुआ है, खाने लायक है।